Hey guys, welcome back to YouTube channel. This is your FM Gaurav Farmer. दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको लेकर आया हूँ सैनिक फॉर्म में, जहाँ पे कि मेरे को एक बहुत प्यारी गाड़ी मिली जो कि बहुत रेयर है. मतलब बहुत कम गाड़ियाँ जो ऐसी निकली थी. और इस वीडियो में साथ रहेंगे मेरे फ्रेंड इनके रोहित भाई. तो रोहित के पास एक गाड़ी है और मैं रोहित को मिला था, तो हमने सोचा काफ़ी टाइम से एक अच्छा वीडियो बनना बनता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है रोहित ने बताया मेरे को जो बहुत कम गाड़ियाँ निकली थी, है ना रोहित? लिमिटेड एडिशन जो आपका 10-12 ही गाड़ियाँ बनी थी. 10-12 गाड़ियाँ बनी थी और लिमिटेड लोगों को दी गई थी उस टाइम पे. तो ये लिमिटेड एडिशन गाड़ी है जो कि लिमिटेड लोगों के पास गई थी. तो मैंने एक दिन रोड पे चलते हुए रोहित भाई को देखा था, कि मैंने कहा अरे भाई गाड़ी तो बड़े अलग टाइप की है, कहीं देखी भी नहीं हुई है. तो मैंने इसमें से भाई को रोका, बात करी और अब ये भाई ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल रही है. तो पहले आप गाड़ी की पूरी डिटेल में दिखाते हैं कितनी पुरानी है, कितनी चल चुकी है, कैसी परफॉर्मेंस है अभी भी, और ये कन्वर्टिबल है पूरी. पहले ढंग से देखो गाड़ी. पहले अब हम गाड़ी को देखें तो पहले भाई गाड़ी तो पहले काफ़ी ज़्यादा पुरानी है. कितनी पुरानी है भाई गाड़ी? इट्स अबाउट 2005 मॉडल है यार. तो आप 2005 का मॉडल है और स्टिल इसकी शाइनिंग आपको देखने के लिए मिल रही है. शाइनिंग बहुत अच्छी है. 2005 का मॉडल है भाई, शाइनिंग बहुत अच्छी है उसमें. देख पा रहे हो कितनी अच्छे से जो शाइन कर रही है भाई. खर्चा अच्छा किया, पेंट वगैरह कुछ नहीं किया. तो भाई ये ओरिजिनल कलर है इस गाड़ी में, हुआ पेंट नहीं किया गया है. सो पहले गाड़ी का पेंट देखिए कितना, मतलब 2005 ही गाड़ी और आप 2019 में खड़े हो, गाड़ी का रंग देखिए वैसा का वैसा ही है. हल्का फुल्का भी, मतलब 19-20 अगर है भी तो वो टाइम सा इतना होता है. ओवरऑल गाड़ी बहुत साफ है. पहले आपको पूरी गाड़ी ढंग से दिखाता हूँ. पूरी कन्वर्टिबल है. हाँ थोड़ा बहुत ये हो गया है, गंदा और रखा भी है. गंदा और रखा साफ नहीं करते हो. बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है यार. सी सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे अलग लगा है इसके अंदर, क्या डोर हैंडल का है. खोलो डोर, खोलो डोर, यहाँ पर है भाई. और गाड़ी के अंदर जाएं तो अंदर देखो, पहले इसमें तो कुछ वो कवर है नहीं जैसा यूजुअली आता है. सो ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है. इसके अंदर फीचर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें सिस्टम लगा हुआ है, एक एसी वगैरह है. और मतलब लिमिटेड एडिशन 2005 की गाड़ी है तो उसमें काफ़ी चीज़ें अपडेटेड ऑलरेडी है. बट स्टिल इसकी सीट्स देखिए, स्टॉक सीट है इसकी. ये सीट इसी के साथ की है? तो भाई ये स्टॉक सीट है इसके साथ जो आई थी. तो आपने इसमें कुछ भी एडिशनल काम नहीं करवाया ना? कुछ भी एडिशनल नहीं है, ये सब कुछ गाड़ी के साथ का ही है. देखिए सीट्स कितनी कंफर्टेबल है और जो सीट्स के साथ भी है योगी 2005 में ये सीट्स, क्या बात है, देख के मज़ा आ रहा है. और पीछे बेस दिया हुआ है जो कि ओपनली सामान रखने के लिए. 2 सीटर कार है ये. और इसका हैंड्रेस देखिए यार, आज की तरह नहीं है यार, बड़ा सही है हैंड्रेस, अच्छा खासा. और अगर हम साथ साथ बात करें गाड़ी की इंजन की, तो 1150 सीसी का इसका इंजन है, जो कि 1150 सीसी का पेट्रोल इंजन है, जो कि चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है. और एज वेल एज पंजाब पूरा दबाते होंगे तो पावर आती होगी ना, क्योंकि अपने अंदर भी एनर्जी आती है. अच्छा क्या चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ. देखो आज के टाइम में भी 1100 सीसी की गाड़ियाँ आ रही है, मेरी भी 1100 सीसी की है. बट स्टिल जो चीज़ हमें मिल रही वो चीज़ अब हमें मिल रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. पावर तो भैया भाई बता रहे हैं कि 1100 सीसी का है इंजन, बट स्टिल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है इसमें. और पेट्रोल है तो ऑब्वियसली बात है पावर डबल हो जाती है. तो और गाड़ी के बारे में बताते हैं भैया, गाड़ी ही कन्वर्टेबल है, मेरे को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ऊपर से कन्वर्ट हो रही है. तो एक बार कन्वर्ट करके दिखाओ. मैं दिखाता हूँ. हाँ चलो दिखाओ, चलो चलो देखते हैं गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं सीटें बैठ के. और ये थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ता है थोड़ा सा. अच्छा ये चीज़ें हटानी पड़ रही है बस. ओके बस ये पीछे ऐसे इस तरीके से रखना है इसको. जैसे कि आपने देखा भाई इसको फोल्ड करे तो ये एक तरह से मैनुअली है. थोड़ा इसमें हम कष्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको, ये जो पॉइंट देखे ना, इसको आपको जो है यहाँ लेके आके इसको जो एडजस्ट करना है, यहाँ आके लगाना है. इसके बाद में गाड़ी पूरी कवर होती है. तो ओवरऑल गाड़ी भाई ने कन्वर्ट कर दी है. तो भैया कैसा फील आ रहा है अभी गाड़ी के अंदर? लग्जरी. अगर आप मेरे साथ रास्ते में चलो आपको अपने आप फील पता चल जाएगा. जब पब्लिक रिएक्शन वाओ भाई क्या गाड़ी लेके जा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. तो क्या बोलते हो ये पब्लिक रिएक्शन वाला वीडियो बनता है? ये वीडियो भी बनता है ना. चलो ये एक और वीडियो बनाएंगे इसका पब्लिक रिएक्शन का. पहले फिलहाल इसकी आवाज वगैरह सुनते हैं.
भाई गाड़ी की आवाज़ सुनी, ये गाड़ी की नॉर्मल वर्सी, कुछ काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया भाई। स्टॉक, ये स्टॉक पे साइलेंसर है भाई, कह रहे भाई ने गाड़ी में एक पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मॉडिफाई नहीं करवाया। गाड़ी बड़ी प्यारी है यार, इसकी कोई राइड भी बनती है इतनी पुरानी होने के बावजूद। इसका ये स्टॉक पेंट है जो कि बहुत प्यारी लग रही है देखने में स्टिल। अब हम बात करते हैं गाड़ी की कंफर्टेबल जोन की, तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई। इसमें हैंडल्स दिया हुआ है जो कि हम आजकल अपनी गाड़ियों में मैनुअल लगा रहे हैं, और अब जाके जो है गाड़ियों में जो है आना स्टार्ट हो गया है हैंडरेस्ट, तो इसमें मैनुअल लगा हुआ है जो कि बहुत कंफर्टेबल भी है। आजकल की तरह नहीं उठा के पीछे भी करते हैं भैया, बहुत कंफर्टेबल है, गद्दी की सीट है। और फिर इसके अंदर का जो इंटीरियर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा लेदर का ओरिजिनल लेदर का पूरा इसमें इंटीरियर डला हुआ है बॉक्स, जो कि बहुत प्यारा है। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये थोड़ा डस्टी हो रखा है, अदरवाइज अगर यार नहीं रखता गाड़ी का, थोड़ा अगर इस पर पॉलिश लगेगी ना भाई, एकदम जहर लगेगी यार, खड़ी रहती है, चलाता हूँ मैं बट स्टिल ज्यादा काम होने की वजह से मतलब टाइम नहीं दे पाते गाड़ी को ज्यादा, यही कहना, ये दिक्कत है। अगर सीट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली बात है बहुत मजाक हो जाएगा, क्योंकि सीट ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और अगर गाड़ी को अगर हम बाहर ले जाए तो उसका भी वीडियो आपको एक देखने के लिए मिलेगा, वो एक और वीडियो बनेगा। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी को देखता हूँ और अगर मैं इसके बारे में बताता हूँ, तो मुझे गाड़ी बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। बस थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ये रहेगी कि गाड़ी के जो हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू भाई को फेस करना पड़ रहा है। सो ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि भाई मायापुरी जाए, मायापुरी जाके सामान ढूंढे, तो वही बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि मैंने बताया लिमिटेड एडिशन है, स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ये गाड़ी है सैंडस्टॉर्म भाई, किसी को स्पेयर पार्ट वगैरह की नॉलेज हो कुछ हो तो भाई कमेंट कर देना, भाई की कुछ हेल्प हो जाएगी, और इस गाड़ी को हम और अच्छे से यू नो देख पाएंगे फ्यूचर में, जिससे कि ऐसी जो लिमिटेड एडिशन गाड़ियाँ हमारे पास हैं, इसको हम बचा के रख सके अपने आगे वाली जनरेशन को दिखाने के लिए। सब बूट स्पेस देखते हैं भाई, गाड़ी बहुत लंबी है, बूट स्पेस काफ़ी बड़ा होगा इसका। देखो भाई स्टेपनी का स्टाइल, ये कब अलग ही स्टाइल है, मतलब ये स्टेपनी पूरी, इसके अंदर स्टेपनी है, टायर इसके अंदर है मतलब। हाँ जी, ओ भाई देख रहे हो आज के टाइम पे ऐसा नहीं आता, ये देख रहे हो पूरा प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का पूरा दिया हुआ है, इसको खोलोगे तो इसके अंदर से टायर निकलेगा आपका, क्या बात है, ये चीज़ें आज के टाइम पे नहीं है, ये बहुत रेयर चीज़ है जो कि देखने के लिए बहुत कम मिलती है। पेंट की बात करूँ, पेंट एकदम स्टॉक है, कुछ चेंजेस नहीं करे भाई ने, 2005 से सेम पेंट है, और स्टिल इसका पेंट जो है बहुत ग्लॉसी है। अगर इस पर अगर आप हल्का फुल्का, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कम है, तो इस पर अगर आप हल्का फुल्का कपड़ा ही मारोगे ना भाई, अगर हल्का सा शैम्पू से भी, तो भी ये शाइन एक नंबर कर देगी बिल्कुल। लिमिटेड एडिशन गाड़ी है जो कि आपको बहुत रेयर देखने के लिए मिलने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो आपको देखना बनता है। तो ये था आज का व्लॉग, जो मैंने आपको ज़्यादा कुछ डिटेल बताई है सैंडस्टॉर्म के बारे में, जो कि रोहित भाई के पास आए हमारे। सो अगर इनकेस अगर आपने जो मैंने आपको बोला, अगर किसी को नॉलेज होगी तो कमेंट कर देना, मैं रोहित भाई से कॉन्टैक्ट करवा दूँगा, कोई भी अगर हेल्प हो पाएगी, कुछ भी हो पाएगी स्पेयर पार्ट्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ बता देना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, घंटा दबा देना, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी और ब्लॉग।